Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इसराइल पर हमले के बाद अब ईरान में खौफ का माहौल है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ सभी फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सभी उड़ानों को स्थानीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 5 बजे तक रद्द करने की घोषणा की है। मंगलवार की रात ईरान ने इसराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस दौरान इसराइल ने अपने हवाई क्षेत्र को 1 घंटे और बैन गुरियन हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद किया था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कारणों से जॉर्डन और इराक ने भी अपनी हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। सभी उड़ानों को अगले आदेश तक निलंबित किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है ईरान में रहने वाले भारतीय सतर्क रहे। मंत्रालय ने लोगों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह भी दी है। वहीं तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। ईरान ने इसराइल पर ताजे हमले को हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ की गई कार्रवाई का बदला बताया है। 27 सितंबर को इसराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्ला के सरगना नसरुल्ला को मारा था। इससे पहले ईरान की राजधानी तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को ढेर किया था।